भाई साहब, भाई क्या व्यू दिखाई दे रहा है भाई। बिलीव नहीं हो रहा आंखों पे। और इतनी ज्यादा हाइट पे ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड हो गया। इसके आगे सीरियसली एंड, कुछ ही नहीं है इसके आगे। इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, तो अभी ये है हमारा कैंप। अभी रात हो रही है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अभी सोकर देखते हैं यहाँ पे नींद कैसी आती है। हेवन जैसा है बिल्कुल। तो अभी हम है जीबी में, हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी जलोरी पास के लिए बस। उसके बाद हमारा होगा ट्रैक स्टार्ट कैंपिंग की तरफ, जो कि हम आज जाएंगे रघुपुर फोर्ट। वहाँ पे जो है ना 360 डिग्री व्यू दिखाई देता है पूरा, तो वो देखने वाली चीज है। और हमारी तो कैंपिंग भी है वहाँ पे। रात को हम वहीं पर रुकने वाले हैं और काफी ज्यादा एडवेंचर करने वाले हैं। मजा आने वाला है वैसे। और जीबी की ज्यादातर वीडियोस बनी ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ज्यादातर जीबी के बारे में कि कैसे जाना, क्या करना, क्या क्या चीजें वहाँ पर है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें बता दूंगा, सारी डिटेल्स बता दूंगा कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, कैसा आपका खर्चा आएगा और जो स्टे वगैरह है, सारी चीजें मैं आपको इस चीज में वीडियो में बता दूंगा। और अभी हम लोग ट्री हाउस में से स्टे करके ही आए हैं, जो कि हमारा बाहू में था, जीबी से भी ऊपर जाकर। काफी ज्यादा ऑफ बीट प्लेस थी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिटेल्स डाल दूंगा, नंबर डाल दूंगा अगर आपको बुक करना है। वीडियो देखना पहले तो वो काफी अमेजिंग भाई, हमें तो काफी ज्यादा मजा आ गया। तो उसकी डिटेल्स भी मैं डाल दूंगा नीचे। अभी हम जा रहे हैं रघुपुर फोर्ट। वहाँ बेसिकली एक फोर्ट है जो बहुत पुराना है। अब तो खैर वो फोर्ट इतना दिखता नहीं है क्योंकि उसमें स्टोन स्टोन है काफी, लेकिन वो जगह जो है एज अ कंपेयर न्यूजीलैंड के थ्रू कर सकते हैं कि उस तरीके का कुछ है वहाँ पे। तो आज भाई उसको एक्सप्लोर करेंगे बढ़िया से और आपको सारी चीजें दिखा देंगे। अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ से जलोरी पास जाने के लिए, बस का वेट कर रहे हैं। जीबी से अभी जलोरी पास, जलोरी पास से फिर हमारा ट्रैक है जलोरी पास से ही। जलोरी पास से ना कितने किलोमीटर का ट्रैक है वो हमारा? 3 किलोमीटर है आपका रघुपुर। फिर जाके जो हमें व्यू देखने को मिलेगा, अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। और अभी ये मॉनसून का टाइम चल रहा है तो इस टाइम तो और भी ज्यादा हरियाली, बारिश। और अभी रात को देखते हैं कि कैंप में कैसी, अगर बारिश भी होगी कैंप में शायद, क्या पता हो जाए। अभी जितनी ऊंचाई पे थे उसकी डबल जाना है। हाँ। अभी हम 7000 फीट पे थे, अब हम जाएंगे 13000 फीट पे। बस निकल गई तो कब तक आएगी वैसे बस? अभी लेट होगा अभी। और ज्यादातर जो टूरिस्ट है ना, मतलब वैसे तो जीबी भी बहुत ही ज्यादा कम लोग आते हैं, कसोल की तरफ ज्यादातर लोग चले जाते हैं। जीबी के आगे भी हम एक्सप्लोर करके आए हैं, जो कि आपको पहले की वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी बस तो आधे घंटे में आएगी, तो हम 15 मिनट कहीं पे यहाँ पे घूम लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ना ज्यादातर टाइमिंग होती है बस की, तो एक टाइमिंग पे ही आती है, फिर आधे घंटे बाद ऐसे ही आती है, तो फिर वेट करना पड़ेगा अभी। सीरियसली यहाँ पे जो सिर्फ खाली जीबी तक आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं जो बाहू में चीज है। वहाँ पे बहुत ज्यादा ही शांति है और आपको कोई और चीज दिखाई नहीं देगी, बहुत कम घर है। सबसे ज्यादा मेन टिप है कि भाई अपना लगेज जो है ना, जितना हल्का कर सको उतना हल्का करके आना, तभी आप अच्छे से घूम पाओगे। हमें बैठे हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और सीधा ब्रेक हो गया। अब अभी यहाँ पे बस रुकेगी 15 मिनट। ये बस थोड़ी दूर से आ रही होगी, तो अभी ब्रेक है यहाँ पे। और अभी यहाँ से जलोरी पास है 1 घंटा दूर, तो 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा अभी हमें। अभी 1 घंटे का सफर है, तो हमने कुछ स्नैक्स भी ले लिया खाने के लिए, चिप्स वगैरह और ये मिनट मेड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रही है माता। यहाँ पे पहाड़ों में माता ज्यादातर देखने को मिलती ही है। ऐसे करके ये लेके जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए जलोरी पास। भाई साहब जलोरी पास आ गए, काफी ज्यादा भाई, कितनी खड़ी चौड़ाई थी, खड़ी चौड़ाई थी, ठंड बढ़िया। ये है तुम्हारा 10,000 फीट है अभी, अभी हमें जाना है 2-3 2,500 फीट ऊपर। और यहाँ पे भी काफी ज्यादा मार्केट लगी हुई है जलोरी पास में।
और काफी ज्यादा ट्रैफिक सा भी था अभी तो यहाँ पे। यहाँ पे ये कोई टेम्पल भी है, ये कौन सा टेम्पल है भाई? जलोरी पास काली माता का। जलोरी पास काली माता का टेम्पल भी है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट लगी हुई है। तो यहाँ पर खाने पीने का भी और सारी चीजें, रेनकोट, सारी चीज मतलब एसेंशियल जो होते हैं ना, सब चीज यहाँ पे नीचे ही आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से कुछ खा रहे हैं, यहाँ से अभी हम थोड़ा सा नीचे चल के आए हैं, अभी यहाँ से हमारा रघुपुर का ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम मैगी, अंडा मैगी और ऑमलेट वगैरह खा रहे हैं, और ये मैंने फ्रूट्स भी लिए थे, काफी टेस्टी है। तो अभी यहाँ पे खा पी के अभी फिर अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और हमने बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर दी है कि हम बड़े बड़े बैग्स लेकर आ गए, हमें ये नीचे ही कहीं जमा कर देने चाहिए थे, क्योंकि ये ट्रैक पे इतने बड़े बड़े बैग, 10-10 12-12 किलो के बैग बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाले हैं हमें। बिना उसके देख कितना एनर्जेटिक। और ये देखो बड़े बड़े बैग, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपको कहीं नीचे जगह मिलती है ना बैग रखने की, कोई भी गेस्ट हाउस होम स्टे में, तो रख कर ही आना और बहुत छोटा सा बैग लेके आना। तो अभी हम यहाँ से कुछ खा लेते हैं अच्छे से, ताकि एनर्जी सी आ जाए और फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हमारे बैग जो हैं ये दोनों भाई लेके जाएंगे, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा आदत भी है। तो क्योंकि यार अगर हम ये इतने भारी भारी बैग लेके चलेंगे ना, तो इंजॉय तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और हमें तो आदत भी नहीं है ऐसे पहाड़ वहाड़ चढ़ने की। और ये 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं एक बार जाने के लिए, लेकिन बैग भी हमारे भारी है, 4 बैग है बड़े बड़े, 10-10 किलो के 4 बैग है। और यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं, तो हमें काफी ज्यादा टूरिस्ट लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे है थोड़ा सा हल्का सा रश टाइप, रश भी नहीं कहूंगा लेकिन हल्के से लोग हैं बस। पिज्जा ऑमलेट आ चुका है हमारा। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू रघुपुर घर। चलो भाई यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। भैया कितना टाइम लगेगा हमें? 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ बस ज्यादा नहीं है, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये तो फिर भी छोटा सा ट्रैक है, मैंने किया था अभी कुछ महीनों पहले खीर गंगा ट्रैक, जो कि कसौल से आगे जाकर आता है खीर गंगा ट्रैक, वो तो भाई 12 किलोमीटर वन वे था, और ये तो 3-4 किलोमीटर है बस। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है खीर गंगा वाली, वहां पे तो ऊपर जाकर -9 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें भी काफी ज्यादा एडवेंचर किया था हमने। तो वो भी जाके देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा खीर गंगा ट्रैक का। और उसके रास्ते में तो काफी ज्यादा वाटरफॉल्स भी आए थे, और यहाँ पे ऐसे ATV भी राइड्स भी होती हैं, ATV राइड। भाई क्या चार्ज है इसका? 400 रुपए। हल्का सा रास्ता इससे भी कवर कर सकते हैं, जो कि 400 रुपए पर पर्सन है, लेकिन आप इसमें बहुत ज्यादा एडवेंचर फील नहीं करेंगे, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मैं फिसलते गिर गया भाई, बच गया, कोई बात नहीं है, एडवेंचर बोलते बोलते एडवेंचर होते होते रह गया, अभी ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बारिश हुई है ना तो काफी स्लिपरी है अभी, तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे देखो आगे आ गया स्लिपरी रास्ता बिल्कुल। 400 रुपए पर पर्सन है ATV राइड से जाने का, जो कि 1 किलोमीटर जाएगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 1 किलोमीटर से भी पीछे जाएगा, 800 मीटर। वो मेरे ख्याल से लड़कियां थोड़ी ATV के मजे लेते हुए जा रही होंगी। तो भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब हाइट इतनी हाइट पे है कि यहाँ पे वाटरफॉल होते ही नहीं है, नीचे की साइड होते हैं, क्योंकि पानी तो बह के नीचे को ही जाएगा ना। जी जी, हाइट पे ऊपर तो पानी नहीं रहेगा ना। यहाँ पे नेचुरल वाटर पीने के लिए मिलेगा, जो चश्मे वाला पानी बोलते हैं। अच्छा, चश्मे वाला पानी मतलब बहुत क्लियर पानी होता है वो। अभी यहाँ से 2500 मीटर दूर है, 2500 मीटर है रघुपुर। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा केड़ी फिसलन आ रही है, देखो मेरे जूते में भी ना पूरी कीचड़ लग चुकी है नीचे की साइड, यहाँ पे है बहुत ज्यादा फिसलन। अभी वो फिसलता फिसलता रह गया। हाँ ऊपर से आ जाते, हाँ ये रास्ता तो पूरा खराब हो रहा है। यहाँ देखो कितनी ज्यादा कीचड़ है, आगे जाके हमें ऐसे ही रास्ते मिलने वाले हैं। ये तो हमारा भाई साहब, अगर हम अभी हमारे पास बैग होता ना, चलना मुश्किल था इतने स्लिपरी पे। हाँ वैसे हिमाचली लोग जो सजेशन देते हैं सही देते हैं। चल मेरा हर एक कदम फिसल रहा है। चल तू चल, मैं तुझे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गिरेगा तो आ जाएगा रिकॉर्डिंग में। गिरेगा तो आराम से गिरी हो, मतलब ज्यादा ना लगे। एक्चुअली मानसून है ना ये, इसलिए बहुत ज्यादा स्लिपरी हो चुका है बारिश की वजह से। अभी तो देखते हैं, अभी बारिश भी पड़ सकती है, ऊपर जाके बारिश भी पड़ सकती है, क्योंकि कल रात भी बारिश पड़ी थी कैडी ही तेज बारिश, और मेरी 4 बजे भी आँख खुली थी तब भी बारिश कैडी हो रही थी सुबह। ATV आता है भाई, सिर्फ इधर तक आती है ATV। ATV वगैरह लेने का फायदा नहीं है यहाँ पे कोई, अगर आपको कोई ATV वहाँ से जलोरी पास से बोले ATV के लिए, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि छोटा रास्ता तो कवर करती है। अभी कितना टाइम हुआ है हमें? 10 मिनट का रास्ता कवर करती है। गियर लगा दे, गियर। बस ATV इंजॉय करनी है हमें तो कर लो, वरना
वैसे कोई एटीवी का फायदा नहीं है। ये खड़ी यहाँ पे, ये तो कुछ ज्यादा नहीं है वैसे, 20 मिनट में तो हम आधे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अभी मिड ब्रेक वाली जगह आ गई है खाने पीने की। क्या कह रहे हो? स्टीफ रहेगा यहाँ से रास्ता। चलो भाई यहाँ रुक जाओ, मैं अब मार ले मैं ब्रेक। तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसी चढ़ाई है, वहां से आके थोड़ा ज्यादा स्टीप हो जाता है और अभी ऐसे स्टीप जाते जाते ऊपर है। 1 किलोमीटर है ये रघुपुर फोर्ट यहाँ से। एक किलोमीटर चढ़नी है ऐसी चढ़ाई अभी। सही है वैसे तो, मजा आ रहा है, दिक्कत नहीं है कोई, मजा आ रहा है वैसे, बस स्लिपरी है ये दिक्कत है। अभी तो इतना लंबा ब्रेक लेके आए हैं, चलो भाई चलते हैं। ये ज्यादा रास्ता सुहाना लग रहा है मुझे पहले से, पहले तो यूं ही था कीचड़ कीचड़। हाँ ट्रैक तो अभी है भाई, सही बढ़िया। ये वाला जो ट्रैक है ना ये ज्यादा वो नहीं है, हेक्टिक नहीं है ज्यादा, चढ़ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 घंटा चलना कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, बाकी जो व्यू वगैरह मिलेगा वो वर्थ हो जाता है उससे। मेहनत का जो फल है ऊपर है ना, आपने सुने ही होगा मेहनत का फल कह रहा है या सबर का फल कह रहा है? मेहनत का फल मीठा होता है, सबर का फल, लाइन भी चेंज कर दी इसने तो। कोई बात नहीं, अभी हम सीधा ऊपर चलते हैं सुहाना, और यहाँ पे फॉग भी बहुत ज्यादा हो चुका है तो शायद अभी इस टाइम ना व्यू देखने को ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि फॉग देखो आप कितना ज्यादा हो चुका है। अभी यहाँ पे भी ना दो दो रास्ते है, एक थोड़ा ज्यादा ऐसे ऊपर चढ़ के पत्थर वाला, एक थोड़ा सा लंबा जाके यूं है, तो जिसको प्रॉब्लम है वो न्यू इधर से आ सकता है थोड़े प्लेन वाले से जहाँ से भैया आ रहे हैं। अभी देखो ऐसा है रास्ता, मैं तो यहाँ से सीधा चढ़ गया यूं, वो थोड़ा जिगजैग करके आ रहे हैं। सही है, वैसे काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते ही हैं, मतलब लोग आते जाते रहे हैं यहाँ पे आते जा रहे हैं। ये वाला तो और भी अच्छा दिखाई दे रहा है चढ़ाई, और इन पेड़ों पे भी ना बहुत ज्यादा, क्या इसको बोलेंगे, काई बोलेंगे क्या, खरसू सबसे आठ में यही पेड़ पाया जाता है। अच्छा, जो ये ग्रीन ग्रीन लगे हुए हैं ये वाले ना, सुंदर लग रहा है देखने में भी। अब जाके हमें अच्छी खासी ठंड मिली है भाई सच में, अब जाके लग रही है अच्छी खासी ठंड। जैकेट वैकेट सबने तान लिया। ये वाली चढ़ाई तो अब और ज्यादा खड़ी चढ़ाई आ गई, देख सकते हो रास्ता कितना खड़ा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। तो इसमें आपको स्टेप्स भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे कि कहाँ रख के जाने हैं, लेकिन यही रास्ता है यहाँ पे जाने का ऊपर। अभी सबसे ऊपर जाना है, उसके बाद जो हमें पैनोरामिक व्यू मिलेगा देखने के लिए मस्त। अभी सिर्फ 200 मीटर रह गया, 200 मीटर चल लेंगे आराम से, यूं कवर कर देंगे। जयकारा शेरावालिदा, बोल साचे दरबार की। ये कैसा गला फटा, बोल साचे दरबार की जय। हमारा ये वाला हिमालयी कैंप है जो कि अभी 100 मीटर पे रह रहा है बस, तो बस आ ही गया वैसे, तो अभी हम आ ही चुके हैं, बस हो गया ये कंप्लीट। बस अब जो यहाँ पे एडवेंचर होगा ना वो अब होगा जब हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। यहाँ पे कोई स्टे नहीं करता ज्यादातर, सब चले जाते हैं एक दिन में ऐसे चक्कर मार के, लेकिन हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। व्यू है अभी वो ढक रखा है, लेकिन जैसे ही फॉग जाएगा मैं आपको व्यू दिखाऊंगा पूरा। अभी देखो कैसा दिखाई दे रहा है ये, रघुपुर फोर्ट है उनका जो फोर्ट है ना रघुपुर का, वो 700 मीटर रह गया है। हाँ अभी 700 मीटर रघुपुर फोर्ट है, अभी यहाँ से भी ऊपर जाएंगे, और यहाँ का ही इतना तगड़ा लग रहा है। यहाँ पे देखो कैंप्स लगे हुए हैं, पूरा एकदम मस्त है, मजा आ गया, काफी सही है। अभी जैसे ही यहाँ पे धुंध खत्म होगी ना, फॉग खत्म होगा, वैसे ही आपको व्यू दिखाऊंगा। क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, अभी पूरा जो व्यू है ना हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये ओए वो देख झूला, उस पे चलो ना, वो देख ऊपर। हाँ हमें किधर जाना, अरे वो झूला तो देख के आते हैं कितना तगड़ा लग रहा है। नहीं वो कह रहा हूँ अभी, वो देख और ऊपर है, वो देख वो वाला और ऊपर। ओ हाँ एक तो ये भी सेक्सी झूला है, और एक ऊपर जाके अभी देखेंगे वहाँ पे सेक्सी झूला। अबे चल यार यहाँ पे क्लियर हो रहा है थोड़ा ना, यहीं पे देख के आते हैं। अभी इधर की साइड पे थोड़ा व्यू क्लियर हो रहा है, अभी यहाँ पे 360 डिग्री व्यू पूरा दिखाई देने लग रहा है, और थोड़ा सा फॉग कम हो गया यहाँ पे।
उधर की साइड तो अभी, इधर की साइड तो अभी भी है, और इतना ज़्यादा अच्छा व्यू है जैसे कि आप देख सकते हो यार, इतना अच्छा झूला बना हुआ है, इतनी अच्छी सिटिंग बनी हुई है भाई, फील्स लाइक हेवन, हेवन जैसा है बिल्कुल। अभी हमें जाना है और ऊपर, अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। ये भाई जो हाइट हो जाती है ना, ये 12,000 फीट की हाइट है और ये हाईएस्ट फोर्ट है इंडिया का। और अभी हमारा स्टे जो है वो उधर की साइड है, अभी हम ऊपर फोर्ट पे होके आते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा हमारा स्टे जो कि कैंप है, बिल्कुल ऐसे वाले कैंप्स हैं। और एक और बात, यहाँ पे नेटवर्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं फोन में, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहे फोन में, अभी कभी कभी थोड़े बहुत आ जाते हैं, हल्का फुल्का सा नेट चल जाता है। और यहाँ पर अभी काफी सारी गाय भी देखने को मिल रही है, और उधर तक आपको छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक वाली भी दिख रही होंगी गाय, और ये सब घास खा रही है यहाँ पे। वहां है अभी, ये थोड़ा आसमान साफ हुआ था तब वहां की साइड कुछ दिखाई दिया था, तो हम उधर ही जा रहे हैं अभी देखने के, वही है ना, क्योंकि हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा फोर्ट है। हम आ तो गए बहुत ऊपर, हल्की सी ढलान आ गई है अभी, और अभी हम ये दो लोग और हम पांच लोग ही हैं अभी यहाँ पर, और कोई नहीं है दूर दूर तक, शायद से वही है जहाँ पे वो बोर्ड लग रहा है। हाँ अच्छा, ये पूरा ही है, उधर की साइड भी कुछ बना हुआ है, अभी जाके ऊपर देखते हैं। वेलकम टू रघुपुर फोर्ट, द हाईएस्ट एल्टीट्यूड फोर्ट ऑफ इंडिया इन हिमालय, 3,540 मीटर्स अबोव सी लेवल। वाह, अभी जो मेरे सामने व्यू है ना भाई साहब, क्या व्यू है, ओए इधर आओ देखो क्या व्यू है भाई साहब, क्या व्यू दिखाई दे रहा है भाई, बिलीव नहीं हो रहा आंखों पे, और इतनी ज्यादा हाइट पे ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसके आगे, इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, रुको। ऐसा लग रहा है आसमान खत्म हो गया, बिल्कुल आसमान के एकदम ऊपर आ गए हम, खत्म है भाई, खत्म है, कसी हाँ। ऐसी लग रहा है, हाँ। वाओ वाओ वाओ, ओ भाई वाओ हो। अब इससे ज्यादा ऊपर कोई जगह नहीं दिखाई दे रही, अभी हम सबसे ज्यादा ऊपर हैं, इससे ऊपर नहीं है कुछ, सब कुछ नीचे है। डबल टैप किया था बस भाई, यहाँ पे जरूर आना, जरूर 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 आना यहाँ पे, वरना आप लाइफ में मिस कर दोगे चीज, सीरियसली इससे ज्यादा सुंदर नहीं देखा होगा तुमने, कुछ सुंदर नहीं देखा इससे ज्यादा, ऐसा कुछ बना हुआ है यहाँ पे। और यार ये चीज मत करा करो यार, यहाँ पे नाम आशिकों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, ये चीज मत करा करो भाई, आज की घर तक ही ठीक लगती है अपने, ऐसे वाली जगहों पे सही नहीं लगती। हिमांशी, तुषार, उमेश, लिपिका, वीर, और मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर से कैसे दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, छोटा सा बना हुआ है। और यहाँ से भी कुछ ऐसी एंट्रेंस जा रही है, यहाँ से कुछ ऐसा है, ये भी ऐसे बड़ा सा हॉल टाइप बना हुआ है पूरा, यहाँ पे भी ऐसे रूम बना हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादातर ऐसे रूम बने हुए हैं, और उधर की साइड टेम्पल है तो वो भी देखेंगे अभी। और यहाँ पे भी शायद कुछ होता होगा, ये थोड़ा डीप बना हुआ है कुछ, पता नहीं कुछ होता होगा शायद, पॉन्ड वॉन्ड ऐसा कुछ भी छोटा मोटा, काफी ज्यादा बड़ा है पूरा, यहाँ से मतलब पूरा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ये, तो ऐसा कुछ मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। अभी रात हो चुकी है और ऐसा कुछ व्यू दिखाई दे रहा है, पूरा अंधेरा हो चुका है, वाओ, इधर की साइड बादल है। और तो अभी ये है हमारा कैंप, अभी रात हो रही है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और धुंध भी बहुत तेज हो रही है, वाओ, यही पे हमारे दो कैंप लगे हुए हैं, और दूर दूर तक अभी कुछ भी नहीं है। चैन खोल के लाइट बंद कर दे अंदर की, अपना बाहर आ जाएंगे। कैसा लग रहा है अभी कैंप के अंदर? वही वाली फीलिंग आ गई जो हम सोचते थे कैंपिंग करने की। इसे भगाइयो, भगा भगा इसको। किसको? अंदर आ यार, सो नहीं पाएंगे, जल्दी घुस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर। अभी हम तीन लोग एक कैंप में होने वाले हैं, जल्दी बंद कर, और दो लोग दूसरे कैंप में होने वाले हैं। ये नहीं, मच्छर आ रहे हैं अभी, इसलिए हमने जल्दी से बंद कर दिया यहाँ पे पूरा। ये वाला चैन वाला, ये रहा एक मच्छर। अभी हमने फोन की लाइट लगा दी है, ऐसे हुक पे टांग दी मैंने लाइट, और ये दोनों यहाँ पे सो चुके हैं, मतलब सोए सोए तो नहीं अभी, अभी तो हम बात ही कर रहे हैं बहुत देर से। अभी हम देखते हैं अभी कितने बजे तक सोएंगे, वैसे हमें लग नहीं रहा था कि हम तीन लोग यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले टेंट में, लेकिन अब तो लग रहा है।
अभी स्पेस खाली है इसमें काफी सारा, बाकी काफी ज्यादा अलग एक्सपीरियंस है ये। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और आवाज आ रही है टेंट में। अभी सोकर देखते हैं यहाँ पे नींद कैसी आती है। वैसे तो मुझे लग रहा है सही नींद आएगी यहाँ पे, अभी देखते हैं कि कैसी नींद आएगी। टेंट हमने क्लोज कर दिया पूरा अच्छे से। थोड़ी थोड़ी देखो ओस भी जम रही है यहाँ पे, गीला गीला हो रहा है हल्का सा। तो गाइस कल रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी बार वॉमिटिंग हुई। अभी हल्की सी ठीक हुई है, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे दवाई लेने हिमाचल में ही। और रात को तो हम कैंपिंग का शूट ही नहीं कर पाए, तो भाई पूरा सीन ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर टैक्सी वाले भाई ने एक क्लिनिक पे उतारा है तो उधर ही जा रहे हैं। तो अभी ये कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, मतलब ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है। इसमें दिखा नहीं जा रहा हूँ, अभी चेक करने।